Assalamualaikum everyone. I hope and pray you all are doing wonderful. I love cooking, but it takes a lot of time. और अगर इस time आपको हर चीज़ बहुत ही आराम से और जल्दी मिल जाए तो क्या ही बात है. सबसे ज़्यादा time taking मुझे लगता है लहसुन और अदरक, तो इसीलिए मैं उसका पेस्ट बना कर रखती हूँ. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना कितना इफ़ेक्टिव है और उसको हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से प्रिजर्व करेंगे. हमें इसके लिए चाहिए लहसुन और अदरक. आप दोनों की बराबर क्वांटिटी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं. सबसे पहले लहसुन और अदरक को छील कर उसको अच्छे से वॉश कर लें. उसके बाद इसको एक ग्राइंडिंग जग में डाल दें. साथ ही इसमें मैं डालूँगी ऑयल. ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून पानी. सादा पानी इसमें डालेंगे और इसको आप ग्राइंड कर देना है. अगर आप सिर्फ पानी डालेंगे इसमें तो ये कुछ दिन बाद ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैं साथ में इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि ये ग्रीन ना हो और काफ़ी टाइम तक चल सके. इसको इतनी देर ग्राइंड करना है कि स्मूथ पेस्ट बन जाए. इन बिटवीन आप इसको खोल कर इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से, और अच्छे से दोबारा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें. पेस्ट बनाने के बाद इसको ग्लास जार में, जो कि एयर टाइट हो, उसमें डालकर आप मंथ से भी ज़्यादा इसको फ्रिज में रख सकते हैं. फ्रीज़र में रखने के लिए इसको प्लास्टिक के कंटेनर में रखिएगा, वरना ज़्यादा फ्रीज होने के बाद ग्लास जार टूट जाएगा. या आप इसको आइस क्यूब ट्रे में क्यूब्स बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं. फ्रीज़ करने के बाद उसको किसी प्लास्टिक बैग में डालकर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. ये पेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग साबित हुआ है और इसका टेस्ट हमेशा फ्रेश रहता है. ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.